इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहां भी हो सकता है होना चाहिए, लेकिन ये सारा मामला सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं, इस दरख्वास्त पर फैसले के दीगर मुकदमात पर भी असरात होंगे। इमरान खान के वकील ने कहा, गुज़िश्ता दो पेशियों पर सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, इस सारी मश के पीछे सियासी अजायम हैं। इमरान खान को आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई, स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए जारी ना किए। सप्लीमेंट्री ग्रांट की तहरीर कौमी असेंबली ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस के चेंबर में जमा कराई जाएगी। स्कर्दू और गिरदोनवा में बारिश के 22 लैंडस्लाइडिंग, शराए कराकरम बंद हो जाने से ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिर फंस गए। खैबर में पहाड़ी तोदा गिरने के बाद तोरखम सरहदी गुजरगाह पर इमदादी सरगर्मियां जारी, हैवी मशीनरी ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना। स्वात के बाला इलाकों में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी, दरिया का पानी बैरन बाजार में दाखिल हो गया। पुल जेरे आब आने से कालाम रोड भी बंद, कालाम और दीगर इलाकों का जमीनी राबता मुनकता। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में गर्मजोशी, ईरान की सऊदी फरमारवान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को दौरा तहरान की बाजाबता दावत। सऊदी अरब में ईरान का सफारती अमला 9 मई से काम शुरू करेगा। और तीसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त, इफ्तिखार अहमद की जारहाना इनिंग्स रायगा गई। इफ्तिखार अहमद ने 24 गेंदों पर 60 रन बनाए, 164 रन के ताकुब में कौमी टीम आखिरी गेंद पर 159 रन बनाकर आउट हो गई।